वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा जिस तरह से सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, उसी तरह महानगर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम ने जैम पोर्टल के माध्यम से 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी की खरीदारी की है। ये गाड़ियां महानगर के सभी 70 वार्डों में स्थानीय पार्षद और सुपरवाइजर द्वारा चिन्हित स्थलों पर नीले और हरे रंग के लोहे के रखे डस्टबिन में एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करेगा। मंगलवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह की निगरानी में रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी का डेमो नेपाल क्लब के निकट बने कूड़ा घर के पास किया गया। इसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने के लिए 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी की खरीदारी जैम पोर्टल के माध्यम से की गई है। रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी का डेमो 8 सदस्यीय टीम द्वारा मौके पर जाकर देखा गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा महानगर 70 वार्डों में 350 नीले और हरे रंग का लोहे के डस्टबिन स्थानीय पार्षद और सुपरवाइजर के लिए रखवाया जा रहा है, जहां पर मोहल्ले के कूड़े एकत्रित किए जाएंगे, जिसका रूट निर्धारित किया जा रहा है। इसके साथ जोनल ऑफिसर और जोनल सैनिटरी ऑफिसर को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गोरखपुर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद्र सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। डिब्बे किसी और ने दिए सर, ये 300 डस्टबिन आपके पास रखे हुए हैं। जैसे मुझे पता चला है पूरे शहर में ये लग जाएंगे, हर आधा आधा किलोमीटर में जितना भी कूड़ा होगा, जैसे कि जो जो आपका किचन का कूड़ा है या घर घर का कूड़ा है, वो आपके पास डाल देगा, रस्ते पे नहीं जाएगा। रस्ते पे बेसिक क्या होता है कि गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी फंस जाती है, तो ये बड़ी गाड़ी फंसते फंसती नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ओपन कूड़ा जाता है, जो NGT का झंडा है कि आपको ओपन कूड़ा नहीं जाना, टीचर चबकता रहता है, वो कुछ नहीं होगा, सारा सील पैक हो जाएगा। तो ये प्रेस करके कूड़े का होता है, हाँ वॉल्यूम करा करेगा, तो वजन कम करेगा, नहीं कोई वजन कम नहीं करेगा, वॉल्यूम कम करेगा। 14 क्यूबिक का जो वो होगा ये सर अप्रोक्सीमेटली 1 टन कूड़ा है, 11-12 से काम भी चलता है। राइट, अगले दिन मेंटेनेंस को लिखा भी चाहिए 5 साल का कि ऑपरेशन मेंटेनेंस आगे होगा। सर बेसिक है, पहले लेके जाते हैं आगरा वाले में, निकाला आगरा वाले में हम लोग हैं ऑलरेडी, कानपुर नाम है। अब सर ये कितना कूड़ा सर गया है, ये अंदर जाके जब पैक कर सर 8.5 टन, 8.5 टन मतलब बेसिक है, सूखा कूड़ा होगा तो 8.5 टन, गीला होगा तो 9-9.5 टन। जैसे आपके अगर कमर्शल के आपके प्लास्टिक वाले बिन्स आते हैं बड़े वाले 120 लीटर के, 2 लीटर के, वो भी इसमें फिट हो जाएंगे। आप कितना टन बताया सर? ये तो ज़्यादा नहीं होगा सर, एक मतलब एक 2 टन के आसपास होगा पूरा, लेकिन नॉर्मल इतना 7-8 टन पूरा है। हाँ तो मान लो एक हमारे एक वार्ड में अमूमन एक में कितना कूड़ा निकलता होगा, अंदाजा बताइए आप लोग। भाई
तो फिर आप जो बात कर रही है तो हर दिन सीट के लिए कितने बजे आप इस गाड़ी में चुरा ले जाएंगे, पहिया नहीं चोरी हो जाता है आपका। देखिए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा कूड़ा के उठान के हेतु 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर क्रय किए हैं जो कि जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय हुए हैं। और आज हम लोगों ने अपनी पूरी एक 8 सदस्यीय टीम बनाई थी जिसने मौके पर जाकर इसका पूरा डेमो देखा किस प्रकार से स्पॉट पे लोकेशन पे रखी हुई बिन्स पर जब पूरा कूड़ा से वो भर जाएगा और वहाँ पर कॉम्पैक्टर की गाड़ी जाएगी और किस प्रकार से वो उस बिन्स को उठाकर उस पूरे कूड़े को अपने अंदर लेकर उसको कॉम्पैक्ट कर देगी। तो इससे एक बहुत फ़ायदा ये रहेगा कि जो हमारे हर इस जो हमारे पास इससे जुड़ी हुई हम लोगों ने 350 बिन्स जो है हमारे पास बनी हुई रखी है जिसमें से आधी नीले रंग की है और आधी हरे रंग की है, अर्थात एक में गीला कूड़ा आएगा और एक में सूखा कूड़ा आएगा। तो जो ये बिन्स रखे रहेंगे चारों जोनों के प्रत्येक वार्ड में जहाँ पर हमारे पार्षद जी सुपरवाइज़र कहेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूड़ा आता है तो वहाँ पर उसको हम लोग पेयर में रखवाएंगे, मतलब एक नीला और एक हरा। उस वार्ड के दो तीन जगहों पे जो सबसे सेंसिटिव होंगे कूड़े की दृष्टि से वहाँ पर रखवा देंगे। और प्रत्येक जोन में हम 5-5 कॉम्पैक्टर दे रहे हैं, 3 वार्डों के बीच में एक कॉम्पैक्टर रहेगा। ठीक 7 बजे वो कॉम्पैक्टर अपने स्टेशन से निकलेगा और उन तीनों वार्डों में जहाँ जहाँ ये बिन्स रखे होंगे वहाँ जाकर कूड़े को उठाकर अपने अंदर डाल लेगा। इसीलिए इसको कूड़ा खाने वाली मशीन भी कहा जाता है, अंदर डाल लेगा घूमते हुए वापस आके अपने स्टेशन पे खड़ा हो जाएगा। और इसमें 3-4 दिन तक पूरा कूड़ा अपने अंदर रखने की क्षमता है, इतनी मतलब वो जो बहुत बड़ा कूड़ा देखने में लगता है उसको ये कंप्रेस करके एकदम बहुत छोटे रूप में ले आता है और अपने अंदर रखा रहता है। तो इससे कि बार बार इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं जाना पड़ेगा या जो हमारा कूड़ा घर वहाँ नहीं जाना पड़ेगा कि जितना कूड़ा इकट्ठा करके अपने अंदर रखा रहेगा 3-4 दिन बाद कोई एक दिन जो डिसाइड होगा उस दिन साइन पर जाकर उस सारे कूड़े को वो कूड़ा घर में या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पर डाल देगा। तो निश्चित रूप से यह जो एक योजना अन्य नगर निगमों में भी चल रही है उसी के तर्ज पर की गई है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी 70 वार्ड हैं उसमें जितने भी मोहल्ले हैं, घनी बस्तियाँ हैं, गलियाँ हैं, कहीं से भी ये कूड़े अब नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि जब हमारे सफाईकर्मी सुबह सुबह निकलेंगे, सफाई करके कूड़े को ढेर लगा देंगे, फिर उस कूड़े के ढेर को हाथ गाड़ी में डाल दिया जाएगा और हाथ गाड़ी से वो आदमी जो हमारा सफाईकर्मी है उसको लेकर आएगा और वो जो वहाँ पर बिन्स रखे होंगे नीले और हरे रंग के उनके अंदर उसको डाल देगा। इसके बाद वहाँ पर कॉम्पैक्टर आएगी और उस बिन्स से कूड़ा निकाल के अपने अंदर डाल लेगी। तो निश्चित रूप से अगर ये प्रयास जो सो चलेगा, एक रूट इसके लिए रूट चार्ट बनाया जा रहा है, सभी जोनल अफसर और जो हमारे जोनल सैनिटरी अफसर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर सुपरविजन करें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम गोरखपुर नगर को और भी ज़्यादा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रूप में देखेंगे।